वेरी प्रिटी न्यूड पीची सॉर्ट ऑफ कलर. इसकी ना थोड़ी सी ऐसे एक लग्जूरियस परफ्यूम होते हैं ना, हो गया पर अच्छे से मानसून की फ्रिजीनेस इतनी विजिबल होती है ना, मतलब दोनों तरफ से मेरे बाल इतने फ्रिजी फ्रिजी हो गए हैं, लाइक लुक एट दिस. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वे एवर यू आर. एंड फाइनली ड्रम रोल्स क्लैपिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मंथली फेवरेट्स आर बैक. आई नो यू गाइज मिस्ड माई मंथली फेवरेट्स. इनफैक्ट मैं अपने मंथली फेवरेट्स मिस कर रही थी बिकॉज आई लव दिस फॉर्मैट. आज मैं करने वाली हूँ टिल जून फेवरेट्स. आई वॉन्ट इवन कॉल इट जून फेवरेट्स बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अप्रैल मे मार्च के फेवरेट्स हैं. आई वुड से पोस्ट मैरिज जो मेरे फेवरेट रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली शिफ्टिंग के बाद नया घर जब मैं आई यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें मैंने खोली हैं, ट्राई करी है, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी रिसीव हुई हैं PR. सो रीसेंट फेवरेट ही मैं इसको बोलूँगी, बट आई प्रॉमिस यू गाइस इसके बाद मैं रेगुलर होने वाली हूँ. जुलाई से आपको रेगुलर मेरे फेवरेट्स मिलने वाले हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले आपको पता है आपको क्या हिट करना है, आपको सब्सक्राइब बटन पर हिट करना है, लाइक पर हिट करना है. ट्रस्ट मी माई मंथली फेवरेट्स आर वर्थ वॉचिंग. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले तो मैं स्किन केयर दिखाने वाली हूँ. और रिसेंटली क्या हुआ, मैंने आई थिंक 2 या 3 महीने पहले कोई अडाप्लिन या फिर एक और होती है जो अडाप्लिन से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, देयर इज अ मेडिकेटेड क्रीम फॉर एक्ने, उसका नाम भूल गया, आई हैव दैट. वो अडाप्लिन और बेंजोइल पेरोक्साइड की मिक्स होती है. एपिडुओ इज द नेम, प्लीज़ ऐसे मत लेना, मैं आपको खाली रेफरेंस के लिए बता रही हूँ. सो मैंने वो लगा ली थी और गलती से ना आई थिंक नोज़ के अराउंड थोड़ी ज़्यादा लग गई थी. सो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीलिंग होने लग गई, लाइक बोथ ऑफ माई साइड ऑफ द नोज वर पीलिंग. यहाँ पे बहुत सारा ड्राइनेस आ गई थी, पैचेस आ गए थे. उस टाइम मैंने अपना बायोडर्मा का CBM हाइड्रा भी ट्राई किया. यू गाइज नो मेरा फेवरेट है, जो मेरे रेगुलर मंथली फेवरेट्स देखते होंगे उनको पता होगा CBM हाइड्रा मेरा फेवरेट है, बट वो भी उस सिचुएशन में काम नहीं किया. आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, वो ड्राइनेस नहीं जा रही थी. बट रिसेंटली आई ट्राइड दिस वन. सो मेरे पास डर्मा वीव के अलावा एक न्यूट्रीडर्म का ही मॉइस्चराइजर है जो मैंने काफ़ी बार फीचर किया हुआ है. आई रियली लाइक इट. अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, आपको एक अच्छी नरिशमेंट चाहिए, तो न्यूट्रीडर्म का वाला मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है. बट उनकी सेम ब्रांड जो है डर्मा वीव है, उसमें ये मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है जो स्पेसिफिकली बना है ड्राई स्किन कंडीशन के लिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. और ये एक्जीमा बेसिकली स्पेसिफिक स्किन के लिए भी है, जिनको एक्जीमा होता है, रेडनेस और ड्राइनेस, जहाँ पे रैशेस जैसे पैचेस पड़ जाते हैं, उस वाली स्किन के लिए. और ये ड्राई स्किन कंडीशन के लिए ही है. सो रिसेंटली मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया एंड आई कांट इवन टेल यू गाइज, विद इन अ वीक मेरी 3 या 4 डेज में मेरी ये सारी ड्राइनेस, जो भी पीलिंग थी, रेडनेस थी, वो हील हो गई. एक दो जगह मुझे और रेडनेस के पैचेस थे मेरे, वो भी हील हो गए. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड. एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रांड, आई एम क्लियरिंग इट आउट देयर. आज की वीडियो किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं करी, आपको भर भर के नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यूज मिलेंगे. ज़्यादा थिन भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं, आप इसको अपनी बॉडी पर भी लगा सकते हो बाय द वे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई हैव अ लिप लाइनर का सॉस जो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, आपको आगे पता चलेगा, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मतलब बहुत अच्छे से ये स्किन में चली भी जाती है और इतनी कोई ग्रीसी चिपचिप फील नहीं होती. ऑब्वियसली ड्राई स्किन के लिए ये नरिशमेंट में एकदम सुपर्ब है, तो हल्का सा आपको हैवी फील हो सकता है बिकॉज अभी जो वेदर है वो मॉनसून का चिपचिप वाला वेदर है. बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन या फिर जो मेरी वाली कंडीशन है, मैंने आपको बताया आपको वाला सिचुएशन हो गया है, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. नेक्स्ट वी हैव अ प्रोडक्ट फ्रॉम मैक जो मैं अपनी शादी के बाद से कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ. ये मुझे मेरी शादी से कुछ महीने पहले PR में आया था और तब मैंने ना यूज़ नहीं किया था, मैंने उठा के रख दिया था. और फिर मैं अपनी जो भी किट बनाई थी वैनिटी की, मैं उसमें सारे नए नए सामान ही डाल रही थी, तो मैंने ये भी आई थी उसमें डाला ही था. ये है मैक का स्टूडियो रेडियंस मॉइस्चराइजिंग एल्यूमिनेटिंग सिल्की प्राइमर. सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, इट्स अ पम्प पैकेजिंग, सो काफ़ी कन्वीनियंट होता है यूज़ करना. आपने मेरे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स या फिर रिसेंटली व्लॉग में भी देखा होगा. सो इट्स लाइक अ वाइट कलर का मॉइस्चराइजर. ये मैं प्रॉपरली उस सिलिकॉन वाला प्राइमर नहीं बोलूँगी, इसको लगाने से वो पोर्स फिल इन नहीं होते, बट इससे बेस बहुत अच्छा बनता है. मतलब मैंने अब इसको बचा के रख लिया. स्टार्टिंग में इसको ऑलमोस्ट जब एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप करती थी तब यूज़ करती थी, बट देन आई वाज लाइक बहुत अच्छा है और बहुत महंगा है, तो मैं इसको बचा के रखती हूँ. मैं खाली इसको जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, शादी फंक्शन, तब यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बेस को इतना अच्छा बना देता है. मतलब ये आपका जो पूरा फेस है ना, उसको इतने अच्छे से नरिश करता है, हाइड्रेट करता है. आप इसके ऊपर जब मेकअप करते हो ना, उसकी लुक ही अलग आती है. सो अगर आप ब्राइडल के हिसाब से या फिर आप हैवी मेकअप, आप थोड़ा एक अच्छी क्वालिटी का मेकअप करना चाहते हो ना, ये आपका बेस क्रैक होता है, ये वाला लेके देखो. इसका अगर कोई मिनी आता होगा तो वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी, बट दिस इज रियली नाइस. इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, खाली मेरा जो ये पोर्स वाला एरिया, नोज वाला एरिया, वहां पर मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा लेती हूँ, सो दैट वहाँ पे एक पोर फिलिंग इफेक्ट आ जाए. बट अदरवाइज दिस इज रियली गुड. टॉकिंग अबाउट द सिलिकॉन प्राइमर, आई हैव अ न्यू फेवरेट इन द सिलिकॉन प्राइमर कैटेगरी. दिस इज द नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर. सो रिसेंटली मुझे नायका ने PR भेजा था उनके मेकअप प्रोडक्ट्स का फॉर
जस्ट अ शाउट आउट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो मैंने एक रील बनाई थी जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिक नायका के प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे, तो मैंने उसमें ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एंड आई लव्ड इट. ये कहता है टोन स्मूथ एंड परफेक्ट. सो ये प्रॉपर एक सिलिकॉन प्राइमर है. वैसे सच बताऊँ आपको मार्स में इनसाइट में भी ऐसे प्राइमर्स मिलते हैं, बट अगेन वी ऑल नो काफ़ी और मेंटालिटी होती है कि नहीं यार वो सस्ते हैं, वो ऐसे होंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, हमारे स्किन पर रिएक्ट तो नहीं कर जाएंगे. सो इफ यू आर समवन जो थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ जाना चाहता है या फिर यू वांट टू ट्रस्ट सच काइंड ऑफ ब्रांड्स लाइक नायका, लॉरियल या फिर और भी कलर बार का एक सिलिकॉन प्राइमर आता है, वो तो जब भी मैं लगाती हूँ ना उसमें से पीलिंग होनी शुरू हो जाती है, पील्स निकलते हैं, वेयर एज दिस इज रियली नाइस. सो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ. मैं वो रील भी लिंक कर दूंगी जो मैंने नायका के प्रोडक्ट्स के साथ स्पेसिफिकली बनाई. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. कैन यू सी एकदम ट्रांसपेरेंट जो सिलिकॉन होता ना, ये बिल्कुल वही है, कोई इसमें या फ्रेग्रेंस एंड ऑल नहीं है. और ये बहुत अच्छा पोर फिलिंग इफेक्ट देता है, मतलब इसको जब अच्छे से ऐसे डैप डैप करके आप सेट कर दोगे ना, आपके पूरे जो पोर्स होते हैं नोज़ के आसपास, काफ़ी बार एक्ने की स्कारिंग होती है तो वहाँ पर जब मेकअप करो ना हल्का सा एक दिखता है, एक स्कारिंग बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, तो छोटे मोटे जो स्कार्स होते हैं ना उसको भी थोड़ा सा फिल इन कर देता है, एक स्मूथ इफेक्ट आता है. सो आजकल का जो मेरा हैवी मेकअप या जो मैं पार्टी मेकअप करती हूँ उसका जो फेवरेट कॉम्बिनेशन है वो यही है. सबसे पहले ये यूज़ करती हूँ, उसके बाद ये यूज़ करती हूँ. इस बार मैं काफ़ी रैंडम जा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने कैटेगराइज नहीं किया है. अगेन बैक टू स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये है मेरे पास L'Occitane का ऑयल टू मिल्क फेशियल मेकअप रिमूवर. दिस हाउ इट लुक्स लाइक. ये भी एक मिनिएचर है बाय द वे, इसकी फुल साइज बॉटल भी आती है. सो मैंने नायका के साथ कोलैबोरेशन में उनके चैनल के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक स्किन केयर रूटीन करके दिखाया था फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो उसमें मैंने ये वाला यूज़ किया था. मैंने उससे पहले भी थोड़ा टाइम टेस्ट किया था एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी वेरी नाइस. आप तो देख ही सकते हो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है. इसको मैं यूज़ करती हूँ जिसमें मैं बहुत हैवी मेकअप करती हूँ, लाइक ये जो सिलिकॉन फाउंडेशन, ये जो हैवी बेस होते हैं ना, ये आपके माइसेलर वाटर से नहीं जाएंगे. स्पेसिफिकली सिलिकॉन बेस्ड जो प्राइमर होता है वो माइसेलर वाटर से नहीं हट सकता. सो सबसे अच्छा होता है ऑयल क्लेंजिंग, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे पंप लो, अच्छे से मसाज करो. और बहुत देर तक मैं मसाज करती हूँ, जेंटली रफली नहीं करना, बहुत प्यार से बहुत देर तक मसाज करती हूँ. जितना ही मेकअप होता है, मस्कारा, लाइनर, जितना ही वाटर प्रूफ मस्कारा भी होता है ना, वो भी इससे बहुत जेंटली निकल जाता है. उसके बाद आप पानी से क्लीन कर सकते हो बिकॉज ये पानी से इमल्सिफाई हो जाता है. सो आप एक वाटर का अच्छे से स्प्लैश लेके फेस क्लीन कर सकते हो एंड देन यू कैन मूव ऑन टू फेस वॉश. ये डबल क्लेंजिंग मेथड होता है एंड दिस इज रियली नाइस फॉर हैवी मेकअप. माइसेलर वाटर आप रेगुलर डेज पे यूज़ कर लो, बट अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी सनस्क्रीन लगाई है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप यूज़ किया, उन डेज में काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट अभी आपको मेकअप ब्रश एंड ट्रस्ट मी, इससे पहले मुझे कभी भी किसी मेकअप ब्रश से ऑब्सेशन नहीं हुआ, बट दिस वन इज रियली रियली नाइस. अगर आपने मेरी एक या दो मंथ्स पहले एक अमेजॉन शॉर्ट्स देखी होगी जिससे मैंने अमेजॉन के फेवरेट रिकमेंडेशन किए थे, मैं मंथली फेवरेट्स नहीं कर रही थी लेकिन मैं कोशिश करती थी ऐसे छोटे छोटे कॉन्टेंट पीसेस के थ्रू अपने फेवरेट्स आपको दिखा दिए जाऊँ. सो मैंने उसमें भी ये फीचर किया था. सो ये रियल टेक्निक्स की कॉपी वाला ब्रश सेट है. नो इट्स नॉट ओरिजिनल, जो रियल टेक्निक्स आता है उसका ये एक कॉपी सॉर्ट ऑफ मिलता है आपको अमेजॉन पे. सो इट्स लाइक अ सेट ऑफ फोर सॉर्ट ऑफ थिंग. उसमें ये वाला ब्रश आता है, देन वी हैव अ फाउंडेशन एप्लीकेटर एज वेल. ये थोड़ा सा हार्श मुझे लगा. इसके अलावा दो ब्रशेज और आते हैं, जो एक हाईलाइटर के लिए, एक आई शेडो के लिए. जो हाईलाइटर वाला है वो बहुत अमेजिंग है, बट वन ब्रश जिसके लिए मैं बोलूंगी कि वो पूरा सेट खरीद लो, वर्थ इट है, वो ये वाला ब्रश है. लाइक ओ माई गॉड, दिस इज सो सो गुड. इस ब्रश को यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ब्लश एप्लीकेशन कैसे करी जाती है, बिकॉज अर्लियर मैं जो भी ब्रशेज यूज़ करती थी वो इतने इतने होते थे एंड ब्लश कभी पिक किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता था. भाई इससे बहुत अच्छी एप्लीकेशन आती है, एक स्मूथ एप्लीकेशन आती है, कहीं पर भी ब्लश मेरा पैची नहीं बनता. आजकल का जो मेरा फेवरेट ट्रिक चल रही है वो यही चल रही है. इनफैक्ट शादी के बाद से मैं कॉन्स्टेंटली मार्च, अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई चल रहा है, मैं यही कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ. ये है माई ग्लैम का चिजल इट पैलेट. ये भी आई थिंक मैंने उस अमेजॉन की वीडियो में दिखाया था. ये उनका हाईलाइटर, ब्लश एंड ब्रॉन्जर का कॉम्बिनेशन है. ये मैंने माई ग्लैम की वेबसाइट से लिया था, मैं इसका लिंक दे दूंगी नीचे. एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक, यू गेट अ फुल साइज मिरर एज वेल. सो ये हाईलाइटर और ब्लश तो मैंने इतना यूज़ कर लिया, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेंट आ गया हाईलाइटर में. तो दोनों को एक साथ यूज़ कर रही हूँ आजकल, इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है बिकॉज ब्लश और हाईलाइटर दोनों जब पिक होते हैं ब्रश पे तो एक नेचुरल फिनिश आती है. अदरवाइज ब्लश अजीब सा रखा हुआ दिखता है, हाईलाइटर अजीब सा रखा हुआ दिखता है, तो एक नेचुरल वाली फिनिश आती है. सो आई काइंड ऑफ मिक्स बोथ ऑफ देम एंड देन आई अप्लाई लाइक दिस एंड बहुत अच्छी फिनिश आती है. आई थिंक अगर आपको एक नेचुरल हाईलाइटर वाला लुक भी चाहिए ना, उसके लिए भी ये ब्रश काफ़ी अच्छा है बिकॉज इससे पैची नहीं बनता, इससे एक जगह ऐसे पैच नहीं बनता. सो डेफिनेटली ट्राई इट. ये अगर आपको पूरा सेट लेना पड़े इस ब्रश के लिए, आई वुड से गो फॉर इट बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. नेक्स्ट वी हैव अ लिप लाइनर फ्रॉम मार्स. ये है मार्स का एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर, जो कुछ इस तरह से दिखता है. एंड द शेड दैट आई एम लविंग राइट नाउ इज 09 स्टीमी पिंक. सच अ ब्यूटिफुल कलर, मतलब ये मेरे
सारे आउटफिट के साथ जाता है। मैं इसके ऊपर न्यूड लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, मैं इसके ऊपर ब्राइट रेड भी लगा लेती हूँ, पिंक भी लगा लेती हूँ। बहुत प्यारा लिप लाइनर है। वैसे मैंने जितने भी देखा है मार्स के लिप लाइनर हमेशा सेट में आते हैं। मुझे हाइप स्टोर से रिसीव हुआ था, हाइप स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, मैं अपने हाइप स्टोर का लिंक नीचे दे दूंगी। बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता हाइप स्टोर क्या है, मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाइप स्टोर इज़ लाइक अ क्रिएटर ओन स्टोर, मतलब हम क्रिएटर्स अपना अपना एक स्टोर बनाते हैं और आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो, एंड देन वी गेट अ स्मॉल कमीशन आउट ऑफ दैट। नथिंग स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रांड बाय द वे। सो हाइप स्टोर पे मेरा मार्स का पूरा एक स्टोर बना हुआ है, मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगी, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। पैक ऑफ 10 में आता है, सो वेरी अफोर्डेबल। अगर मैं एक लिप लाइनर कॉस्ट देखूँ, इट वुड कॉस्ट अराउंड 40-45, विच इज लाइक सुपर सुपर अफोर्डेबल। सो डेफिनेटली ट्राई इट ऑन, कि बाकी शेड्स भी अच्छे हैं। सो व्हाट यू कैन डू, आप फ्रेंड्स एंड ऑल मिलकर पूरा पैक ले सकते हो, एंड देन यू कैन डिवाइड, बिकॉज बाकी जो शेड्स हैं वो पिंक्स, रेड्स, मॉव, देन वी हैव डार्क न्यूड कलर्स एज वेल, बट पूरे पैक में मेरा फेवरेट ये वाला शेड है। नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फॉर योर झील सी नीली आंखें। मैंने अभी जब नायका की वीडियो बनाई थी ना, उसमें इसी लाइन की वजह से मैंने वो सॉन्ग डाला था, झील सी नीली आंखें, बिकॉज इसको लगाते ही लिटरली वो इफेक्ट आता है। और आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैक्सिमम टाइम मैं डेनिम्स पहनती हूँ, और डेनिम्स का जो एक ब्लू टिंट आता है, जो हिंट आता है, कलर आता है बेसिकली, उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। सो ये है नायका का ग्लैमर आईज काजल, है बेसिकली कलर्ड काजल जो आते हैं, एंड द शेड इज ब्लू हेक्स 01। दिस आवर लुक्स लाइक एकदम ब्राइट, लाइक क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक ब्लू जो कलर होता है ना, ये बिल्कुल वैसा कलर है। लुक एट दिस, इतना प्यारा ही लगता है। मैंने अभी रिसेंटली इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने चिट चैट गेट रेडी विद मी सॉर्ट ऑफ किया, जिसमें मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया है, लाइफ अपडेट वाली वीडियो, उसमें भी मैंने यही अप्लाई किया था। एंड दिस सो इजी, अपनी आईज़ पर ऐसे स्ट्रेच किया, ऐसे अप्लाई कर लिया, एंड दैट्स इट। फटाफट वाला मेकअप भी हो जाता है, आपको कोई हैवी आई शेडो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कलर्ड लाइनर डू द जॉब रियली वेल। इसके और भी शेड्स आते हैं नायका की वाली रेंज में, यू गेट टील कलर, यू गेट पिंक एज वेल। सो अगर आप ब्राइट कलर्स के फैन हैं, फिर आपको ब्राइट कलर काजल्स पसंद है, ट्राई दिस रेंज। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, लाइक आपको मार्स में, स्विस ब्यूटी में भी ऐसे वाले काजल मिल जाएंगे कलर्ड वाले, बट आई सीन वो थोड़े से स्मज हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी ऊपर उसकी एक लाइन बन जाती है। दीज नायका वंस आर वेरी गुड, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, पूरे पूरे दिन स्टे करते हैं, इसकी बिल्कुल भी वो क्रीज लाइन नहीं बनती। क्वालिटी के हिसाब से ये रेंज काफ़ी अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। इसका भी लिंक मैं दे दूंगी, और नायका की जब भी सेल आती है काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे होता है। नेक्स्ट अप वी हैव अ लिप ग्लॉस फ्रॉम लव अर्थ। ये मुझे हाइप स्टोर से रिसीव हुआ था, हाइप स्टोर पे बहुत अच्छे ऑफर चलते हैं इस पर, ये 50% ऑफ पे आपको इसका पैक ऑफ 10 मिल जाता है। आप अगर मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करते, प्लीज़ फॉलो कर दो, बिकॉज वहाँ पे मैं सारे अपने अपडेट्स और जो भी सेल चलती रहती है उसका बताती रहती हूँ। सो ये उनका पैक ऑफ 10 वाला मिनी वाला लिप ग्लॉस है, एंड ये दूसरा शेड है। मैं जो शेड आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मैंने अपने किसी स्लिंग बैग में डाल दिया था और मुझे अब नहीं मिल रहा, बट दीज आर वेरी वेरी नाइस। अगर आपको ग्लॉसी लिप्स पसंद है लेकिन आपको चिपचिप वाले ग्लॉस नहीं पसंद, या फिर आप ऊपर से अलग से ग्लॉसी लगाना चाहते हो, वॉन्ट समथिंग की कलर भी आए और ग्लॉसीनेस भी आए, या फिर आपके लिप्स बहुत चार्प्ड रहते हैं, आप जब मैट लिपस्टिक लगाते हो ऐसे फटे फटे दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते, ट्राई दिस रेंज बिकॉज ये ग्लॉसी वाला इफेक्ट देती है। सो मैं ये वाला स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ। दिस इज पिंक पावर, ये भी काफ़ी अच्छा शेड है, लेकिन ये थोड़ा सा न्यूडिश साइड पे आता है, एक डार्क न्यूड जो कलर होता है ना। लुक एट दिस, कितना प्यारा ये कलर है। अगर आप एवरीडे वर्क के लिए कुछ देख रहे हो ना, दिस इज़ वेरी नाइस। फुल साइज़ भी आते हैं, बट इतना बड़ा लिपस्टिक लेने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगेन आजकल सबके पास बहुत सारा मेकअप होता है, सो वेस्ट चली जाती है, एक्सपायर हो जाती है। सो उससे अच्छा है आई वुड रिकमेंड ये छोटी वाली ले लो, पूरा इसका पैक आता है, उसमें आपको मल्टीपल शेड्स मिलते हैं, फ्रॉम न्यूड्स, रेड। आई थिंक थोड़ा सा मैं ऊपर से लगा सकती हूँ, बिकॉज लिप्स अब मेरे हल्के से ड्राई हो गए, मैंने कोई और लिपस्टिक लगाई थी पहले। सी, किसी भी लिपस्टिक के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा सेंटर पे लगाऊंगी सो दैट माई लिप्स लुक अ लिटल बिट पाउटी, एंड या दिस इज हाउ लुक्स लाइक। ऐसे कलर्स पेयर कर लो ना, फिर मल्टीपल वेज में यूज़ करो तो और शेड्स बन जाते हैं, बट या दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव अ लिपस्टिक फ्रॉम मनीष मल्होत्रा। कभी आप किसी के सामने से लिपस्टिक निकालोगे ना, मेरे पास मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक है, लिटरली सामने वाला सोचेगा ओह माय गॉड डिजाइनर लिपस्टिक यूज़ कर रही है, बट ऐसा नहीं है, माई ग्लैम की रेंज है, इन कोलैबोरेशन विद मनीष मल्होत्रा, एंड दिस इज नॉट ऑल एक्सपेंसिव। अगर आप 600-700 की और ब्रांड्स की लिपस्टिक लेते हो तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, माई ग्लैम की सेल पर आपको बहुत अच्छी डील पर मिल जाती है। सो दिस इज इन द शेड ब्लश रोज, एंड सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कलर। वी शो यू अ स्वॉच एज वेल। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल एवरी डे सॉर्ट ऑफ शेड। आप कुछ एवरी डे ऑफिस वेयर के लिए कोई शेड देख रहे हो ना, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लेट्स टॉक अबाउट हेयर केयर नाउ। सबसे पहला जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, जो आई थिंक मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई चल रहा है, मैंने आई थिंक इसकी 3 बॉटल खाली कर दी और अब मैं अपनी चौथी वाली बॉटल खोलने वाली हूँ, वो है ये विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कंसनट्रेट। मैंने जस्ट अभी वीडियो भी बनाई है, मुझे ब्रांड ने स्पेसिफिकली जब भी भेजा था ना, उन्होंने बोला था कि प्लीज़ अच्छे से यूज़ करना, 1 महीना लो, 2 महीने लो, 3 महीने लो, पर अच्छे से यूज़ करके। लेट द डॉग से हो गया।
पर अच्छे से मैंने अपना अच्छा सा टाइम लिया। आई थिंक मैंने 3 महीने इसको टेस्ट करके देखा है और मैंने तभी इसकी रील अभी रिसेंटली भी अपलोड करी है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। सो ये बेसिकली पानी जैसा एक सीरम है, जैसे आप फेस पे कुछ सीरम लगाते हो ना, ये आपके बालों के लिए सीरम है जो आपको स्पेसिफिकली स्कैल्प पर लगाना है, बिकॉज ये हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप इसको स्कैल्प पर ज़्यादा फोकस करोगे। सो इसके अंदर है रेडेंसिल है, इसके अंदर एनिगिन है, बाइकैपिल, कैफीन, बायोटिन, प्लांट केराटिन, राइस वाटर। ये स्पेसिफिकली रिड्यूस करता है हेयर फॉल और बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ को। मुझे शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली शादी पे बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करी जाती है, एंड देन ऑब्वियसली योर होम इज चेंज, तो थोड़ा सा पानी का भी चेंज आता है। सो मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ था और स्पेसिफिकली मुझे बॉल्ड पैचेस भी ऐसे यहाँ पे बनने लग गए थे, तो मैंने स्पेसिफिकली इसको इस एरिया में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यूज़ किया था, एंड इट काइंड ऑफ वर्क। मेरी बहुत अच्छी न्यू हेयर ग्रोथ भी आई है। लाइक ये जो मैं बोलूँगी ना, जो हल्के हल्के ये वाले निकल रहे हैं बाल, ये मेरी सॉर्ट ऑफ एक न्यू हेयर ग्रोथ है जो आ रही है। सो इट डेफिनेटली वर्क्स, और ये आपको विशकेयर की वेबसाइट पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। मेरे उनके साथ कोड भी है, आप यूज़ कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, वो रियल स्पॉन्सरशिप में थी, ये वीडियो स्पॉन्सरशिप में नहीं है। बट विश्के की वेबसाइट पे काफ़ी बार मैंने देखा है इनका बाय वन गेट वन भी चलता है, लाइक अभी मॉनसून की सेल थी तो बाय वन गेट वन पे मिल रहा है। अगर अभी मिल रहा होगा तो मैं नीचे डिटेल्स डाल दूंगी, आई एम नॉट रियली श्योर, बट वेरी नाइस। अगर बाय वन गेट वन पे आपको मिल रहा है ना तो ले लो। टॉकिंग अबाउट हेयर केयर, वी हैव अनदर फेवरेट फ्रॉम बी ब्लंट। ये बी ब्लंट का सैलन लाइक ट्रीटमेंट इंटेंस मॉइस्चर हेयर मास्क। मैंने रिसेंटली बी ब्लंट के साथ कोलैबोरेशन में एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक जून में बनाई थी या फिर मई में बनाई थी, आई डोंट रिमेंबर। और तब मैंने इसको टेस्ट किया था, इसको रिव्यू किया था, और अब तक तो मैं इसको काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ। लाइक बीच में गड्ढा बन गया, मैंने काफ़ी इसको यूज़ कर लिया है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। ये पूरी रेंज ही काफ़ी अच्छी है मेरे पास। ये इंटेंस मॉइस्चर रेंज का कंडीशनर भी है, वो भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, वर्क्स रियली रियली वेल। सो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा आपके बालों में, ट्राई दिस वन, ये बहुत अच्छी रेंज है। इस ये बेसिकली डीपली नरिश करती है, शाइन ऐड करती है, इसके अंदर होब है, वाइटामिन ई है, विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर दैट ड्राई फ्रिजी वाले बाल। आई थिंक ये कलर ट्रीटेड हेयर को भी सूट करेगा, बिकॉज ये सैलून वाली ट्रीटमेंट है। सो ये सैलून वाली जो रेंज होती है कलर ट्रीटेड हेयर पे भी चल जाती है। सो इफ यू हैव ड्राई फ्रिजी हेयर, ट्राई दिस वन, यू विल लव 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 इट। माई नेक्स्ट फेवरेट इज फ्रॉम प्लम। ये प्लम का बॉडी लविंग बॉडी मिस्ट इन द रेंज ऑर्चिड यू नॉट, एंड दिस इज सो 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 गुड। ये बाय द वे नायका का मुझे बर्थडे गिफ्ट रिसीव हुआ था। नायका का अगर आप बर्थडे मंथ में कुछ शॉपिंग करते हो ना तो आपको एक फ्री गिफ्ट मिलता है, और हर बार मुझे वो गंदा सा नायका का शीट मास्क मिल जाता था, बट फाइनली मुझे कुछ अच्छा मिला है। सो ये मुझे तब रिसीव हुआ था, एंड दिस इज रियली रियली नाइस। मैंने रिकमेंड भी किया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, उस पर भी काफ़ी लड़कियों के कॉमेंट डीएम्स आए थे, रिप्लाईज आए थे कि ये बहुत अच्छा है। मतलब जो प्लम की जितनी भी रेंज है ना मिस्ट की, या तो वो ट्रिपिंग मीमोसा हो गई, वनीला वाइब्स हो गई, या तो वो बहुत मीठी होती है या फिर वो सिट्रसी होती है, बट दिस इज रियली गुड। मतलब इसकी ना थोड़ी सी ऐसे एक लग्जूरियस परफ्यूम होते हैं ना, जो हल्के से स्वीट साइड पे होते हैं। मतलब इसमें है हल्का सा एक स्वीट का हिंट है, लेकिन एक फ्लोरल वाला हिंट है। इट्स लाइक अ फ्लोरल एंड स्वीट मिक्स। मुझे फ्रेग्रेंस नहीं समझानी आती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, बट समझ जाओ, इट्स लाइक अ नाइस लग्जूरियस परफ्यूम इन अ मिस्ट बॉटल। द ओनली थिंग इज, जो बॉडी मिस्ट है ना प्लम के, वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो आपको 2 या 3 घंटे में कहीं ना कहीं रीअप्लाई करने पड़ते हैं। बट अगर आप आधे एक घंटे के लिए ऐसे ही दर्द हो जा रहे हो, या फिर आप घर में कुछ लाइट या फिर माइल्ड सा अप्लाई करना चाहते हो, दिस इज रियली गुड। एंड फाइनली एट लास्ट वी हैव अ नेल पेंट बाय लैक्मे। मैं वीडियो शुरू होने से पहले नेल पेंट ही अप्लाई कर रही थी, सो दैट सारे प्रोडक्ट शॉट जो है वो बड़े सुंदर सुंदर आए, एंड देन आई वाज लाइक व्हाई नॉट फीचर दिस वन, बिकॉज ये मैंने अब तक किसी भी मंथली फेवरेट में फीचर नहीं करी, इनफैक्ट अभी खरीदी है रिसेंटली। सो मैं रिसेंटली ब्यूटी शॉपिंग के लिए गई थी, ऐसे ही ब्यूटी स्टोर में चली गई थी, ऐसी नेल पेंट देखने लग गई। सो वो लेडी, आपको पता है, वो पीछे पड़ ही जाती है एक बार ही। सो उन्होंने मुझे 2-3 स्वॉच करने दे वाले, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैंने ये शेड फाइनली ले लिया, बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था तब। सो ये लैक्मे का कलर क्रश ट्रू वेयर, दिस शेड इज, आई कैन फाइंड द शेड, वेयर इज द शेड name, the shade is 42, I don't know, yeah 42, यहाँ पे shade लिखा है, यहाँ पे number लिखा हुआ है। so इसका shade है 42, and this is how it looks like, it's like a very pretty nude peachy sort of color, लेकिन इसमें एक mild shimmer का hint है, मतलब हल्का सा एक shimmery जैसा feel होता है, but this is very very beautiful। मतलब सारे Indian कपड़ों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, because obviously आजकल मैं कुर्ताज एंड ऑल ज़्यादा पहनती हूँ, तो डल वाले न्यूड लगा लो ना तो वो अच्छे ही लगते हैं, बट यू गाइज नो आई लव न्यूड नेल पेंट। सो ये सॉर्ट ऑफ एक शिमरी वर्जन है न्यूड शेड का, वेरी वेरी प्रिटी। अगर आप कुछ ऑफिस या वर्क वेयर के लिए कुछ देख रहे हो ना, लाइक समथिंग डिसेंट एंड क्लासी, तो ये शेड काफ़ी अच्छा है, दूर से बहुत प्यारा लगता है। मेरे हल्के से टैन वाले हैंड है, लाइक व्हीटिश जो कॉम्प्लेक्शन होता है मेरे वैसे वाले हैंड्स हैं, सो आप देख सकते हो कितना सुंदर ये लग रहा है, वेरी वेरी नाइस। एंड द MRP ऑफ दिस वन इज 180, आई थिंक 150 समथिंग का आपको डिस्काउंट समथिंग पे मिल जाता है। 2 कोट लगते हैं, मैंने आज भी इसके 2 कोट लगाए हैं, तब जाके इसका एक कलर आता है। सिंगल कोट में नहीं कलर आता, बट 2 कोट के बाद बहुत अच्छी लुक आती है, एंड इट स्टेज ऑन रियली वेल। फॉर द प्राइस पॉइंट इसका स्टे भी काफ़ी अच्छा है, एंड अगेन इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड लैक्मे, तो ट्रस्ट करने वाली तो बात है ही। एंड विद दिस
हाँ मंथली फेवरेट्स आर ओवर, अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने शायद इंक्लूड भी नहीं किए बिकॉज वह वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इतने टाइम से मंथली फेवरेट नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं भड़ास तो निकलेगी, बट या फाइनली आई एम बैक विद माय मंथली फेवरेट्स। अब ट्रस्ट में अब मैं रेगुलर होने वाली हूँ। एंड द कुर्ता दैट आई एम वेयरिंग इज ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन। आई नो कॉमेंट्स आने वाले हैं बिकॉज बड़ा प्यारा सा पिंक कलर का एकदम फ्रॉक स्टाइल वाला कुर्ता है। सो ये मैंने अमेजोन से लिया है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो या डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय।